नमस्कार, पीपीए 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। अगले हफ्ते हो सकता है योगी मंत्रिमंडल का विस्तार। योगी सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार अगले हफ्ते होने के आसार हैं। राष्ट्रपति के यूपी दौरा पूरा हो जाने के बाद किसी भी दिन नए मंत्रियों की शपथ दिलाई जा सकती है। भाजपा नेतृत्व मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले नामों पर जल्द ही अंतिम निर्णय होगा। इसके साथ ही विधान परिषद में मनोनयन के लिए 4 नामों पर ही मुहर लगेगी। कैबिनेट विस्तार की संभावित तिथि 1 या 2 सितंबर मानी जा रही है। जिन नेताओं को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है उनमें कांग्रेस छोड़ भाजपा में आए जितिन प्रसाद को ब्राह्मण चेहरे के तौर पर लिया जा सकता है। इसके अलावा पिछले बल को साधने के लिए खासी अहमियत दी जाएगी। इसी रणनीति के तहत निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद और अपना दल सोनेलाल के कार्यकारी अध्यक्ष आशीष पटेल का नाम तय माना जा रहा है। पहले चर्चा थी कि रक्षाबंधन के बाद योगी कैबिनेट का विस्तार होगा। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का निधन हो गया। इस वजह से मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलों पर कुछ दिनों के लिए विराम लग गया था। विस्तार के माध्यम से भाजपा विधानसभा चुनाव 2022 के नजरिए से राज्य में जातीय व क्षेत्रीय संतुलन को साधेगी। नाराज वर्गों को खुश होने का मौका इस विस्तार के माध्यम से दिया जाएगा। कायस्थ समाज या पिछली जाति से किसी नए चेहरे को मंत्री बनाने का मौका दिया जा सकता है। जाट बिरादरी की मंजू सिवास व सहेंद्र रमाला गुर्जर जाति के सोमेंद्र गुर्जर को मौका मिलने की प्रबल संभावना है। इसके अलावा तेजपाल नगर का नाम भी आगे है। ये सभी पश्चिमी यूपी के हैं। पूर्वांचल से संगीता बलवंत विंद, महेंद्र पाल सिंह सेंतवार भी मंत्री बनाए जा सकते हैं। आदिवासी समुदाय से संजय गौड़ का नाम भी आगे है।